हेलो व्यूअर्स, डेली हेल्थ टिप्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, सात घरेलू उपचार घाव के निशान मिटाने के लिए। घाव के निशान एक्सीडेंट या फिर सर्जरी या किसी भी इंजरी के कारण हो सकती हैं। शरीर पर घाव का निशान काफ़ी बड़ा नज़र आता है और हर कोई इसे छिपाने की कोशिश करता है। कई बार तो ये निशान इंसान के लुक को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उन्हें बदसूरत भी बना देते हैं। साथ ही निशान से त्वचा भी खुरदुरी हो जाती है। इसके अलावा निशान से स्किन का टेक्सचर भी बदल जाता है। ऐसे निशान से कई बार इंसान भीड़ का सामना करने से कतराने लगता है। साथ ही इससे कई बार व्यक्ति का आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है और वह खुद को दूसरों के मुकाबले तुच्छ समझने लगते हैं। इसका हमारी मानसिकता पर भी बुरा असर पड़ता है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप निशान को मिटा सकेंगे। निशान को हटाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट, सर्जरी आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह शरीर से घाव के निशान को हटाने के लिए कुछ प्राकृतिक तरीके भी होते हैं। निशान को हटाने की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि निशान कितना गहरा है। चाकू से कटने के निशान की तुलना में आग से जलने के निशान को हटाने के लिए कहीं बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिसकी मदद से आप घरेलू चीज़ों के जरिए निशान से छुटकारा पा सकते हैं। वो पहला घरेलू उपचार है नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। दोस्तों, नींबू सबसे प्रभावी नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होता है। नींबू का इस्तेमाल कई सारे कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। साथ ही ये घाव के निशान को भी हटाने में कारगर होता है। नींबू का इस्तेमाल निशान को हल्का बनाने का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है। इसके अलावा नींबू डेड स्किन सेल्स व मुहासों को भी हटा देता है और नए स्किन के विकास को बढ़ावा भी देता है। घाव के निशान को कम करने के लिए रुई को नींबू के रस में डुबा लें और निशान पर रख लें। एक सप्ताह तक रोज ऐसा करें, आपको अच्छा खासा फर्क नज़र आने लगेगा। टमाटर और आलू भी एक अच्छा नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है जो कि आपके निशान को कम कर देता है। दूसरा उपचार शहद। दोस्तों, घाव के निशान को प्राकृतिक रूप से कम करने के लिए शहद काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही शहद मॉइस्चराइजर का काम भी करता है। घाव के निशान दरअसल डेड स्किन सेल्स और टिश्यू होते हैं। शहद में स्किन टिश्यू का विकास कर निशान को कम करता है। कुछ बूंद शहद लेकर उसे निशान पर नियमित रूप से लगाएं। बेहतर परिणाम के लिए आप शहद और नींबू के रस को मिला भी सकते हैं। इन दोनों का मिश्रण घर पर निशान को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। तीसरा उपचार ग्रीन एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा हेल्थ और स्किन केयर में काफ़ी फायदेमंद होता है। जेल या क्रीम के रूप में आप एलोवेरा को सीधे निशान पर लगा सकते हैं। एलोवेरा में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गुण जख्म पर सूजन आने से रोकता है। एलोवेरा स्किन टिश्यू के रिपेयर और रीजनरेशन में मदद करता है। निशान वाले हिस्से पर एलोवेरा जेल या क्रीम लगाएं। जब तक कि आपको फर्क नज़र ना आए, इसे लगाना जारी रखिए। निशान को प्राकृतिक रूप से हटाने का एलोवेरा एक प्रभावी तरीका है। चौथा उपचार खीरा। दोस्तों, खीरा ना सिर्फ सस्ता होता है बल्कि आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। खीरा स्किन को मुलायम बनाता है और इसे हाइड्रेटेड रखता है। ये निशान को हल्का करने के साथ साथ निशान के आसपास की सूखी त्वचा को भी नमी प्रदान करता है।
खीरे का आप पेस्ट बनाकर उसे निशान पर लगाएं। बेहतर परिणाम के लिए आप इसे पेस्ट को नियमित रूप से लगाएं। मार्केट में भी खीरे के अर्क से बनी कई क्रीम और स्क्रब उपलब्ध हैं। दांत के निशान को कम करने में ये भी काफ़ी कारगर होते हैं। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पांचवा उपचार है प्याज। दोस्तों, प्याज में सूजन और जलन कम करने की क्षमता होती है, जो दाग में कोलाजन को बढ़ने नहीं देती। प्याज को टुकड़ों में काटकर इसका जूस निकाल लें। अब इस जूस को सुई की मदद से दाग पर लगाएं। दिन में आप इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा सकते हैं। छठवां उपचार है कोकोआ बटर। दोस्तों, कोकोआ बटर भी दाग हटाने का कारगर उपाय है। अपनी त्वचा को कोकोआ बटर से नम कर लीजिए ताकि कोलाजन ज़्यादा ना बन सके और दाग हट जाए। दिन में 3 बार त्वचा पर इसका मसाज ज़रूर कीजिए, आपको काफ़ी फर्क महसूस होगा। तो सातवां उपचार है क्रीम और लोशन। दोस्तों, घरेलू उपचार के अलावा आप अपनी त्वचा से दाग हटाने के लिए क्रीम और लोशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। आप नियमित तौर पर दिन में कई बार इसे लगा सकती हैं और दाग धब्बों से निजात पा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का घाव का निशान होने पर आप इन सब उपचारों को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी फर्क महसूस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। बाय बाय।